एक गांव था जहां पर हरिंदर नामक सेठ रहते थे तथा सेठ का एक जिद्दी लड़का था जिसका नाम कासु था और सेठ के पास एक नौकर भी था जिसका नाम बहादुर था। बहादुर का एक बेटा है जिसका नाम मदन है। मदन खेल को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था। एक दिन मदन अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसी समय गली से कासु भी गुजर रहा था और कासु ने बोला, मैं भी खेलूँगा। तो मदन ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं। मदन के इस बात से कासु को गुस्सा आ गया और कासु मदन को पीटने लगा और मदन ने भी कासु को पीटने लगा और इसी बीच उसका दांत तोड़ दिया। और कासु रोते रोते अपने घर गया और घर जाते ही अपने पिताजी से बोला कि पापा, मुझे मदन ने मारा है। कासु के पिता ने बोला, मदन ने मारा? और जोर से बोला, बहादुर इधर आओ। और बहादुर ने बोला, क्या हुआ सेठ जी? और सेठ जी ने बोला कि तुम्हारे लड़का ने मेरे लड़के को मारा है। तुम्हारा लड़का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, अब हम तुमको नौकरी से हटाते हैं। और फिर बहादुर ने अपने बेटे को बोला, मदन इधर आओ। मदन ने बोला, पिताजी क्या हुआ? और मदन के पिता ने बोला, शाबाश बेटे, जो मैंने नहीं कर दिखाया वो तुमने कर दिखाया।